नमस्कार द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं और उसके बीच घूमना चाहते हैं तो कहां जाना पसंद करेंगे? कंफ्यूज हो गए ना। वैसे तो बर्फबारी सबको पसंद होती है, इसलिए कई लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों पर बर्फबारी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अगर आप नवम्बर के महीने में हसीन बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है। हम इस स्टोरी में आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां परिवार, दोस्त और पार्टनर के साथ मनमोहक बर्फबारी का लुत्फ आप उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के बारे में। बर्फबारी में घूमने की बात और लद्दाख का जिक्र ना हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप नवंबर में बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आपको लद्दाख जरूर जाना चाहिए। कहा जाता है कि कई बार लद्दाख में इतनी बर्फबारी हो जाती है कि 4 से 5 फीट ऊंचा पहाड़ बन जाता है। इसलिए लद्दाख को भारत का बेस्ट स्नो डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ पर आप कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के औली के बारे में। उत्तराखंड में घूमने की बात होती है और कई पर्यटक सबसे पहले नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा या मुनस्यारी जैसी चर्चित जगहों के नाम लेते हैं। लेकिन अगर आप नवंबर में उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको औली जरूर जाना चाहिए। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद औली में हसीन बर्फबारी का लुत्फ आप उठा सकते हैं। इसलिए इस महीने में बहुत ज्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। बर्फबारी के समय सफेद पहाड़ आपका मन मोह लेंगे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुफरी के बारे में। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कई लोग कुल्लू, मनाली, शिमला या डलहौजी जैसी चर्चित जगह पर जाते हैं। लेकिन अगर आप नवंबर के महीने में ही हसीन बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फिर आपको कुफरी जरूर जाना चाहिए। समुद्र तल से करीब 9000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कुफरी जन्नत से कम नहीं है। नवंबर के महीने में भी यहाँ बर्फबारी का लुत्फ आप उठा सकते हैं। कुफरी में एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ भी ले सकते हैं और साथ में सेब के बगानों की सैर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाचुंग के बारे में। हसीन और खूबसूरत बर्फबारी सिर्फ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में ही नहीं होती बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी होती है। जी हाँ, सिक्किम के लाचुंग में भी नवंबर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। लाचुंग बर्फबारी के साथ साथ हसीन दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। हिमाचल की गोद में मौजूद लाचुंग नॉर्थ ईस्ट में घूमे जाने वाली सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। अब बात करते हैं रोहतांग दर्रा के बारे में। रोहतांग दर्रा की खूबसूरती सिर्फ हिमाचल प्रदेश या भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी खूबसूरती विदेशों में भी है। भारत की सबसे ऊंची जगहों में शामिल रोहतांग दर्रा में सितंबर के महीने से ही बर्फबारी शुरू हो जाती है जो नवंबर और दिसंबर तक बहुत अच्छे से चलती है। अगर आप हिमाचल की गोद में मौजूद किसी हसीन जगह और हसीन बर्फबारी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर यहाँ आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर जाना चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।